हेलो सबको भाई, मैं हूँ आशीष योकीन। आप अभी सामने मेरे देख रहे हो एक इटालियन कार, एंड कुछ लोग इसको पहचान पाएंगे, कुछ लोग नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन ये वन ऑफ द क्यूटेस्ट कार और रेयरेस्ट ऑफ द कार थी इंडियन मार्केट के अंदर। तो आप आगे से इसका लुक वगैरह देखो, लोगों से आप पहचान जाओगे कि ये एक फिएट की गाड़ी है। जब फिएट इंडिया को छोड़ के गई थी तो उस टाइम पे ये लोग 4-5 गाड़ियाँ बेचते थे। एक आपकी फिएट की ये वाली हो गई पुंटो, एक होगी आपकी फिएट की इसी का सेडान वर्जन लीनिया, एक आपकी थी पुंटो एबार्थ, पुंटो एडवेंचर, और जो एक और गाड़ी थी जो इनकी बहुत ही महंगी और प्रीमियम थी 29 लाख रुपए की, वो थी फिएट 500, वो भी 1400 सीसी इंजन के साथ आती थी बस। ये जो मॉडल आप देख रहे हो ये 2011 मॉडल। अब लोग सोचेंगे कि यार 2011 में इतना ज़्यादा, मतलब आज की डेट में भी आप इस गाड़ी को देखोगे ना, आपको ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगेगी। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये 11 साल या 20 साल पुराना कोई डिज़ाइन चलता आ रहा है, लेकिन देखने में बहुत ही क्यूट सी लगती है ये। ORVMs वगैरह देखो, ये आजकल WRV में या फिर बलिनो में ऐसे आते हैं, उस जमाने में ये लोग भी देते थे। पीछे से आप लाइट वगैरह देखो, आपकी पिलर पे माउंटेड मिलेगी। पीछे से लुक तो इसकी बहुत ही गजब लगती है पर्सनली मेरे को। ये जो आप कार देख रहे हो यूनिक सी, ये अपने ज़माने में कम्पीट करती थी स्विफ्ट से, i20 से, और i20 उस टाइम पे लॉन्च हो गई थी, पुराने वाला मॉडल आता था i20 से और फीगो पुराने वाले मॉडल से। तो उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इस गाड़ी ने बहुत ही अच्छी सेल्स निकाली थी, क्योंकि ये देखने में यूनिक थी और फिएट का नाम जुड़ा हुआ था, क्योंकि फिएट को लोग उस टाइम पसंद करते थे। बाद में इसकी सेल्स कम होती गई और ये अपनी इटालियन जो कार है इंडिया को छोड़ के इटली फाइनली चली गई, और ये अब यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन्स की। इसके जो इंजन्स है वो आज भी आपको गाड़ियों के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिएट जो है वो इंडिया में जो पैसा कमा रही है सिर्फ इंजन के थ्रू कमा रही है, और एक जीप है जो इसके अंडर अभी भी काम कर रही है। अब इसके जो इंजन्स है, एक तो आपको स्विफ्ट वगैरह में मिल जाता है जो DDIS आता था, फिएट का 1.3 मल्टीजेट, और जो दूसरा इंजन है 2 लीटर का डीजल इंजन, वो आपको हेक्टर में, हैरियर में, सफारी में, और कौन सी गाड़ी है शायद एक और है कोई जीप कंपस में, तो सब में वो आपको मिल जाता है। तो यार इसके रेट वगैरह क्या है ये सब तो मुझे पता नहीं, ये भाई इनके ओनर ही बता पाएंगे हमें। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा तालाब बना हुआ है हमारे यहाँ पे अभी बारिश की वजह से, तो बात करते हैं भाई निखिल भाई से। हेलो भाई। तो निखिल भाई आप बताओ, ये मतलब कितने की ली थी आपने ये गाड़ी भाई? और यही क्यों ली? क्योंकि मतलब मेरे को भी थोड़ा देख के लगा कि यार स्विफ्ट को छोड़ के कोई इसको कैसे ले सकता है। यार उस टाइम पे एक्चुअली स्विफ्ट तो बहुत कॉमन थी। हाँ। और ये नया उस टाइम पे लॉन्च हुई थी जब गाड़ी ली थी, 2010 में मेरे ख्याल से फिएट आई थी। हाँ। इंडिया में गाड़ी लेकर 2011 में मैंने अप्रैल में गाड़ी ले ली थी। हाँ। तो वही था उस टाइम पे, देखना था कि कुछ नया ट्राई करना था, और बाकी स्विफ्ट के कम्पेटिव इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह इंजन वाइज गाड़ी देखो तो ये ज्यादा बेटर लगी थी मेरे को उस टाइम पे, और कहीं ना कहीं स्विफ्ट से अंदर की इंटीरियर क्वालिटी भी ज्यादा बेटर मिलती थी, तो मैं इसके लिए गया। तो आज की डेट में दुख नहीं होता कि यार मैंने जिस गाड़ी के ऊपर हाथ रखा वो इंडिया छोड़ के जा चुकी है? अब यार मेरे पास और भी गाड़ियां हैं तो, लेकिन इसके इतना होता नहीं, क्योंकि जितना मैंने जितने की गाड़ी ली थी उतने पैसे वसूल कर चुके हैं। अच्छा, कितने की ली थी आपने ये गाड़ी उस टाइम पे? मेरे को पड़ी होगी 5-5.5 लाख, एग्जैक्ट रेट मेरे को याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे इतने में आ गई। हाँ, 5.5 लाख में उस जमाने में मेरे को याद है आपको VXI प्लस मॉडल मिल जाता था स्विफ्ट का, LDI भी आ जाता था। हाँ, LDI भी आपको 5.5 में मिल जाता था, लेकिन स्विफ्ट भी मैंने रखी है, LDI मॉडल थी वो 2009 थी, तो एक ये भी रीजन था स्विफ्ट पे ना जाने का उस टाइम। अच्छा, तो लुक्स के बारे में क्या कहोगे भाई आप? लुक्स तो यार इसकी अलग थी उस टाइम पे, बहुत बढ़िया लगती थी लुक्स। और ये जो डिजाइन है ये जिसने फरारी डिजाइन करी है। अच्छा, उसने ये जो लुक है ये डिजाइन करे, मतलब इन शॉर्ट ये फरारी का बच्चा कह सकते हैं इसे? कह सकते हैं। तो जिसने फरारी को डिजाइन किया उसी ने इसको डिजाइन किया, इसको डिजाइन कराना भाई, मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, फरारी वाले ने इसको डिजाइन किया, डिजाइन के ही उन्होंने 5 लाख रुपए मतलब गाड़ी की कीमत के हिसाब से ले लिया होगा। लेकिन बेस मॉडल इसलिए 5 का, वो आप ऊपर जाते टॉप लेते डीजल का, लेते डीजल भी आता था उस टाइम डीजल। हाँ, वो मेरे ख्याल से 10 लाख के आसपास पड़ रहा था, सेम इंजन आता था डीजल 1.3 मल्टीजेट, वो सेम इंजन इसमें आता था डीजल में। तो अगर उसके हिसाब से रेट, ये बेस मॉडल पेट्रोल का है बिल्कुल, जो बेस मॉडल आता है बेस मॉडल के हिसाब से भी आपको टायर वगैरह अच्छे खासे बड़े मिल जाते हैं, मतलब ये नहीं है कि पतले पतले टायर हो। और उस टाइम पे सबसे बड़ी चीज होती थी पावर विंडो। अच्छा, आजकल तो खैर कॉमन है। चलो अंदर से दिखाते हैं आपको पावर विंडो वगैरह क्या है, दिखाना भाई। आपको आगे की फ्रंट 2 पावर विंडोज मिल जाती है उस टाइम पे स्विफ्ट के LDI मॉडल में। हाँ, ये बेस मॉडल होने के बावजूद भी आपको आगे की भी पावर विंडोज मिल जाती है, जबकि पीछे की आपको मिलेगी नहीं। खोलना भाई गाड़ी एक बार।
सबसे पहले इसमें बैठ के सीट की जो स्पेस है उसी को ही कंपेयर कर लेते हैं। इट्स अ बेस मॉडल, तो फिर आप उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको पीछे की तरफ जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल मिले या आर्मरेस्ट मिले, बट स्पेस वगैरह स्विफ्ट से बेटर है। आज वाले स्विफ्ट की बात नहीं हो रही, पुराने वाले स्विफ्ट की, उससे बहुत ही बेटर स्पेस है। और पीछे से जो डैशबोर्ड देखने को मिलता है वो भी बहुत ही यूनिक मिलता है देखने में, और सच बताऊं तो फिर सुंदर भी लगता है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। ये भी आपका प्लस पॉइंट है कि ये आपको ग्रैब हैंडल जो है वो एक फिक्स वाले नहीं मिलते, रिट्रैक्टेबल वाले आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं। जिस हिसाब से ये गाड़ी है उस हिसाब से इसकी की मिलती है। ये देखिए आप, एकदम यूनिक स्टाइल की आपको की मिलेगी, एक इनबिल्ट टाइप की, तो ये थोड़ा सा यूनिक मिल जाता है। लेकिन आपको सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगी, सीधा आपको इसमें बैठना पड़ेगा। अब बैठ के आपको दिखाते हैं इसकी स्पेस वगैरह। लुक मैंने आपको दिखा दी थी, पीछे से देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। फिएट का लोगो भी थोड़ा, पहली बार मैं किसी फिएट में बैठा हूँ तो फिर अजीब लग रहा है थोड़ा सा। बाकी इसमें जो लाइट्स वगैरह वो यहाँ पे मिल जाती है और यूनिक स्टाइल में मिलती है, ऐसे टिल्ट करके आपकी जल जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और अगर टॉप मॉडल लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपका ग्लास होल्डर भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। जिस हिसाब से भाई आप कह रहे थे कि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो चेक कर लेते हैं एक बार दरवाजे को पीट के थोड़ा बहुत। भाई मानना पड़ेगा, जिस हिसाब से इसके दरवाजों में वेट है ना, आज की गाड़ी में भी वो वेट नहीं मिलेगा आपको, है ना। हाँ, बिल्कुल। और गेट को भी बंद करके आप एक बार आवाज सुनो भाई, ये देखो, मतलब कहीं से भी कोई बाहर की इंसुलेशन बहुत अच्छी है बाहर की। ये देखो, अभी एक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, एक ट्रक जा रहा है, इसकी कोई खास आवाज नहीं आ रही अंदर, तो इसकी इंसुलेशन वगैरह भी बहुत अच्छी दे रखी है। मीटर आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सा मीटर आपको मिलता है। बेस मॉडल में भी आपको टैकोमीटर मिल जाता है उस तरफ। इसमें जो मार्किंग है थोड़ी सी अजीब दे रखी है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको इंटू 100 मिलता है, नॉर्मल गाड़ीज में आपको इंटू 1000 मिलेगा। भाई इस गाड़ी में बैठते जिस चीज़ ने मेरे को सबसे ज़्यादा हैरान किया है वो है कि इसमें टिल्ट, मतलब आपका स्टीयरिंग मिलता है ना। ये देखो यार, जिसको विश्वास ना हो रहा हो मैं उनको एक बार भाई दिखा देता हूँ, जिसको विश्वास ना हो रहा हो ये देखो, ये रहा, तो यहाँ से आप अपने स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। जबकि उस टाइम पे स्विफ्ट जैसी गाड़ी में भी ये चीज नहीं थी, जो की हाईएस्ट सेलिंग कार थी। और चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, आउटसाइड के जो मिरर है आप उनको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो बहुत इजीली, ये भी थोड़ा सा यूनिक चीज है इसके लिए। और चाबी से एक बार देखो यार, ये देखो, मतलब बाहर की कंपनियां जो होती है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट ही लेवल का एक्सपीरियंस देती है। इसमें देखो ये जो की नॉब है एकदम आपके पास है, मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं है लगाने के लिए, यहीं पे आप ऐसे लगा दो और गाड़ी चालू। एक बात जो भाई मेरे को पता है फिएट के बारे में, क्योंकि जब मैंने शायद स्विफ्ट ली थी तो उस टाइम पे मैंने भी एक बार फिएट को देखा था जाके, तो फिर जब मैंने इसको उस टाइम पे ड्राइव किया था, टेस्ट ड्राइव जब किया था, इसकी जो राइड क्वालिटी है वो ऑसम थी। मतलब नो कार कम्पीट ही नहीं कर सकती कोई कार, मतलब उस हिसाब की थी। तो एक बार हमारे सामने जो पैच है आप ये देखो, थोड़ा सा मतलब खराब सा ही है, तो एक बार यहाँ पे चला के देखते हैं कि किस हिसाब से ये गाड़ी चलती है। 5 गियर आपको इसमें मिलते हैं। चलाने से पहले मैं एक बार आपको इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ, बोनट खोल के अच्छे से। ये देखो यार, 10 साल पुरानी गाड़ी है और किलोमीटर भाई से पूछ लेंगे कितना चली हुई है, उस हिसाब से नॉइज एंड वाइब्रेशन वगैरह एकदम ओके है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब इसकी बहुत ही सॉलिड है यार। अब इसकी बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। 1200 cc यानी 1172 11172 की आपको इसमें cc मिल जाता है इंजन का पावर जो है, और 67 bhp मिलता है और 96 Nm का टॉर्क। लेकिन चलाने में पता नहीं क्यों ये थोड़ी सी पंची सी फील होती है, जबकि इसका जो टॉर्क है वो i20 से कम है और जो bhp है वो भी i20 से कम है। तो एक बार इसको चला के दिखाते हैं। लेकिन जो इसमें डीजल इंजन आता था वो तो भाई रॉकेट था, क्योंकि वही सेम स्विफ्ट वाला आपको मिलता था। तो यार अभी आप इसकी एक बार ग्राउंड क्लियरेंस चेक करा देता हूँ मैं आपको। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छी है। ये कौवे भाई साहब हमारे कुछ चुप ही नहीं हो रहे जब से बोले जा रहे हैं, ये देखो। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहे थे हम, ये देखो भाई ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है भाई इसकी। भाई ग्राउंड क्लियरेंस का आइडिया नहीं है, बट जो भी है सिटी में सही चल जाती है ये गाड़ी, अभी तक नहीं टिकी मेरी बात। 180 mm जो मैंने, मेरे को पता है मोस्ट प्रोबेबली 180 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो मोर देन सफिशिएंट है। तो भाई आपका भी एक चैनल है राइट? हाँ बिल्कुल, मेरा गाड़ियों से रिलेटेड एक चैनल है। तो भाई उस पे आप लोग मतलब, लेकिन आप वीडियोस रेगुलर डालते ही नहीं, उसका क्या रीजन है? मैं डालता तो हूँ, अभी बीच में एग्जाम आ गए थे, कोविड हो गया था बीच में। अच्छा, डाल रहा था, बाकी अभी तो अब आप रिकवर्ड हो पूरे कोविड से? मतलब ऐसा तो नहीं है मुझे हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। तो भाई निखिल वशिष्ठ के नाम से भाई का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो एक बार इनके चैनल पे भी आप जाके प्यार वगैरह दिखाओ अपना।
भाई जिस हिसाब से पिकअप का तो पता नहीं यार मेरे को, थोड़ा सा टाइम के हिसाब से थोड़ा सा पुराना हो रखा होगा, लेकिन चलने में राइड क्वालिटी में कोई कमी नहीं है भाई। मगर जिस हिसाब से ये ड्राइव कर रही है ना गाड़ी, अभी आपको दिखाते हैं फिर से, जिस हिसाब से ये ड्राइव कर रही है, थोड़ी सी इसकी एक्सल वगैरह में आवाज आ रही है शायद। ये देखो यार स्पीड है 60-70 स्पीड है, ये देखो बड़े प्यार से, थोड़ा सा स्टाइल वाइल भी मार के देख लिया भाई, एकदम सही चल रही है, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। अब मेरे को ये बात बताओ, 52,000 किलोमीटर चला रखी है आपने ये, है ना? ये देखो यार 52,418, इतनी कम कैसे चली है ये? और भी गाड़ियां घर में तो कम यूज होती है। अच्छा ये रीजन है, तो इसको बेचने का कोई प्लान है या फिर कभी आपके? अब तो नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई करा था इसको निकालने का तो, लेकिन मेरे को एज एक्सपेक्टेड कम ही प्राइस मिल रहा है, क्योंकि उनका रीजन एक ही होता है कि यार कंपनी जा चुकी है, इतने में कम, इतने कम में मैं बेचना ही चाहता, तो मैंने सोचा इस गाड़ी की जब लाइफ पूरी हो जाएगी तब इसको स्क्रैप, 5 साल बाद, हाँ जब स्क्रैप वगैरह। तो ठीक है, तब तक भाई हम जैसे गाँव वगैरह में रहते ही है तो फिर चल जाती है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं चलती गाड़ी, मतलब महीने में कभी एक बार निकल गई, 2 महीने में एक बार निकल गई, तो ये चीज होती है बस इसकी। अच्छा तब तक आप इसको अपना पर्सनल यूज के लिए या फिर इधर उधर कोई इमरजेंसी हो उसमें आप यूज कर लेते हो? हाँ इधर कोई जैसे मान लो कोई यार दोस्त हो गया वो लेकर चला गया, हाँ। ऐसे उनको दे दी। अब ये देखो यार ये चीज भी उस जमाने में आपको मिलती थी, मतलब डैशबोर्ड में भी आपको प्रॉपर प्रोवाइड होती थी आपकी स्टोरेज स्पेस। तो यार इसका डैशबोर्ड क्वालिटी देखो यार, सॉलिड है नो डाउट, लेकिन जो इसके ग्रेन्स वगैरह है ना, मैं आपको ग्रेन्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये जो इसके ग्रेन है बहुत ही बारीक है, मतलब मारुति के कंपैरिजन में बहुत ही सॉलिड है ये। तो भाई यही था कुछ हमारा एक्सपीरियंस पुंटो के बारे में, इटालियन कार है, जिस लोगों को नहीं पता था वो बता सकते हैं कमेंट में कि उनको आज पता लग गया इसके बारे में। तो थैंक यू निखिल भाई एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि ये सब गाड़ी आज की डेट में मिलती नहीं है बिल्कुल, तो इसके रिव्यूज भी बहुत कम मिलेंगे आपको मार्केट में आज की डेट में। तो हम लोग थोड़ा हट के कुछ लेके आए हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू। जय हिंद जय श्री राम।